मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील के आगर गांव में बसंती बाई नाम की महिला को हेलीकॉप्टर खरीदकर कोई सैर सपाटा नहीं करना है, बल्कि उसका दर्द यह है कि उसके खेत पर जाने का रास्ता दबंगों ने बंद कर दिया है। महिला ने खेत का रास्ता खुलवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के कई चक्कर काटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार महिला को महामहिम को इस तरह का पत्र लिखना पड़ा। हाथों में महामहिम राष्ट्रपति कोविंद के नाम का पत्र दिखा रही ये महिला मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के गरोठ तहसील की आगर गांव की रहने वाली है। महामहिम कोविंद को लिखे एक पत्र में महिला किसान बसंती बाई लोहार ने अपना दर्द बयां करते हुए लिखा कि गांव में मेरी केवल 2 बीघा रकबे की छोटी सी जमीन है, जिस पर उपजे अनाज से मेरा परिवार चलाने में थोड़ा सहयोग मिल जाता है, लेकिन पिछले कई समय से मेरे खेत पर जाने के रास्ते को गांव के दबंग परमानंद पाटीदार और उसके बेटे लवकुश पाटीदार ने बंद कर दिया है। खेत पर जाने के रास्ते में खाई खोद ही गई है, जिसके कारण खेत पर जाना ही मुश्किल हो रहा है और खेती भी नहीं कर पा रही हूँ। खेत पर जाने के रास्ते को खोलने के लिए मैंने कई अधिकारियों के चक्कर काटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कृपया मुझे हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए, साथ ही हेलीकॉप्टर चलाने का लाइसेंस भी दिया जाए, ताकि मैं मेरे खेत पर जा सकूं। गोविंद टीवी के लिए मंदसौर से हमारे संवाददाता विजय जुड़ गए हैं। आइए इस खबर की विस्तार से जानकारी लेते हैं। विजय, क्या कारण रहा होगा, क्या मजबूरियां रही होंगी कि महिला ने राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर के लिए पत्र लिखा? अजय, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो महिला है, ये कई दिनों से शिकायत कर रही थी कि वो आसपास के क्षेत्र में जो दबंग लोग जो रहते हैं उनके खेत के आसपास, उन्होंने ये खाई खोद दी थी। तो कई बार उन्होंने शिकायत भी की है अधिकारियों से, मगर उस पर सुनवाई नहीं की जा रही थी। तो उसको लेकर जब यह राष्ट्रपति से गुहार लगी कि भाई मुझे एक हेलीकॉप्टर भेजा जाए ताकि मैं अपने खेत तक पहुंच सकती हूँ, इस बात को लेकर जब हमने ये आवेदन दिया तो ये सुर्खियों में आ गई। सुर्खियों में आने के बाद फिर सब प्रशासन अधिकारी सब हरकत में आए और वहां जाकर खेत का मुआयना करा, तो उनका कहना है अधिकारियों का इसका रास्ता निकला हुआ है, मगर ये रास्ता वो नहीं यूज करने के कारण, और दूसरा जो रास्ता उसके कागजातों में लिखा है वो रास्ता मांग रही है कि उस रास्ते में हमको आने जाने का रास्ता दिया जाए जिसमें हमारे कागज में लिख रखा है, मगर वो रास्ता नहीं दे रहे हैं। वो रास्ता जो आम रास्ते से उधर से निकल रहा है, वो रास्ता उन्होंने कहा है अधिकारियों ने, रास्ता है इनके पास मगर वो यूज नहीं करना चाहते हैं। उसको लेकर कलेक्टर महोदय ने भी कहा है कि ये जो रास्ता है उनके पास है ऑलरेडी, मगर सूचना बटोरने के कारण ये इस प्रकार का हेलीकॉप्टर वाला मामला सामने आ रहा है। विजय, आपको क्या लगता है कि महिलाओं की महिला की समस्याओं का समाधान होगा, उस हेलीकॉप्टर के लिए ऋण दिया जाएगा? ऐसा तो लगता नहीं है, क्योंकि रास्ता एक तरफ से जो रास्ता है वो रास्ता वो यूज नहीं कर रहे, उनका अधिकारियों का कहना ये है और वो अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो रास्ता उनके कागजात में लिखा हुआ है आवेदन करता है वो रास्ता चाहते हैं, जबकि वो रास्ता नहीं दे सकते हैं क्या। तो उसको लेकर जब ये कलेक्टर और अधिकारियों तक बात पहुंची तो उनने कहा एक रास्ता है ऑलरेडी, मगर वो रास्ता यूज नहीं कर रहे हैं और यूज नहीं करने के कारण उनने आगे ये आवेदन ऐसे प्रकार से दिए और ये सुर्खियां बटोरना चाहते हैं इस प्रकार का आवेदन देकर। जी जी, विजय, महिला का क्या कहना है, उनकी क्या जुबानी है? उनका भी यही कहना है कि हमारा जो रास्ता दिया जाए और जो रास्ता हमारा आवेदन हमारे जो कागज में लिख रखा है वो कागज के अनुसार हमें रास्ता चाहिए, नहीं तो हमें जो मांग की है उसके हिसाब से हमें कार्य हमारा काम किया जाए। उसको लेकर ही राष्ट्रपति को आवेदन दिया है उन्होंने हेलीकॉप्टर की मांग की है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया विजय। आपने हेलीकॉप्टर को लेकर मांग की है खेत पर आने के लिए, क्या कारण रहा है? पूरा कारण बताए। यार मांग करी के रस्तो खुल लोगों ने खाया दीदी, तो बस खेत में तो जाना पड़ेगा, मान कितने जाओ हमें खेत में, अन भाई हेलीकॉप्टर की मांग करी। आपने किस किस को अवगत कराए हैं इसके लिए? सब के मार बत्ती ने सब ने के लिखी ने भेज जाए तो कर नहीं हूँ वही नहीं करी, सुनवाई नहीं हुई। हाँ, तो उसके बाद क्या किया आपने? बाद में यह करे भाई हेलीकॉप्टर देवार दो माए तो मैं उड़ी साल जाओ, कोई हूँ वही कर लिया, बस ये मुख्यमंत्री उठी जाना पड़ी बस। अच्छा, कितनी बीघा खेती आप? 2 बीघा खेती और धान की दशहली करा, गरीब रह गया मैं तो हमारे कौन नहीं करे, कांदरी ने उबा रही गया, बाल बचाए तो पारना पड़े माए, कई काम करा खेती में, धन काम करा ना फसल
कमावा तो मारे सोरसरी को पेट भरन का दी पड़ा। क्या नाम है आपका? वसंती भाई। कौन सा गांव है? आगर।